हेलो, मैं नरेंद्र कुमार होती NM न्यूज। मैं इसमें खड़ा हूँ सिनेमा रोड पर। आपको बता दें, इनका नाम संध्या है और ये देसी शराब का ठेला है। यहाँ ठेके में अक्सर झगड़ा लड़ाई हुआ करती हैं इस सिनेमा रोड में, इस देसी शराब को लेकर। आपको बता दें, ये संध्या जी हैं, इनका भाई दोपहर के समय 11-12 बजे यहाँ पर मधुशाला आया था ड्रिंक करने। ड्रिंक के दौरान यहाँ पे कुछ लोगों ने झगड़ा किया था। झगड़ा के दौरान घर में कोई नहीं था। ये जो भाई हिमांशु है, ये कन्हैया को बताने गया कि आपको सिनेमा रोड में आपका भाई मारा जा रहा ठेकी में। तो कन्हैया भागते भागते जय गया, संध्या से कहा कि तुम्हारा भाई मारा। सुबह संध्या घर के अंदर घर में खाना बना रही थी। क्या हुआ था संध्या उस दिन, क्या हुआ था? 8 तारीख को झगड़ा मारपीट हुआ था यहाँ पे, ठीक है। हम घर पे खाना बना रहे थे, हिमांशु गए। हाँ, 8 तारीख में हुआ था। हिमांशु गए थे बताने के लिए, ठीक है। हिमांशु कौन है आपके? हिमांशु भैया लगते हैं। हाँ, पड़ोस में है भैया। अच्छा, लगते हैं, ठीक है। और वही मारपीट हुई, अंदर मारे पीटने हैं, ठीक है। सबसे अंदर जहाँ कैमरा वैमरा कुछ नहीं है, ठीक है, वहीं पर की बात है। बहुत ज्यादा मारे पीटे। अच्छा, अभी मारपीट हुई तो आपने क्या किया? हमने एप्लीकेशन वगैरह दी, चौकी पे दी, थाने पे दी, वहाँ से कुछ नहीं। कोई तबियत हमने सुना बहुत, हाँ, बहुत ज्यादा खराब है अभी। उसे ऑक्सीजन लगी? हाँ, अभी लगी। लेकिन आपने मेडिकल क्यों नहीं करवाया? मेडिकल घर में अकेली आती है? अकेले थे तभी नहीं करवाया था। मम्मी अम्मी थी नहीं, ना पापा थे, ना मम्मी थी, ना कोई था। हम अकेले गए थे, प्राइवेट। हाँ, प्राइवेट गए। देखिए, संध्या इनका कहना है कि उस दिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं ना थाने गई, मैं सबसे पहले अपने भैया को उठाई शरीर को, मैंने सीधे मेडिकल, और आज उसकी हालत काफ़ी ठीक। और यहाँ पे हिमांशु जी हैं जो इनके पड़ोसी हैं। संध्या, उस दिन क्या हुआ था भट्टी पे? भैया, यहाँ मारपीट हुई थी और हम उनके घर पे बताने गए, घर पे कोई मिला नहीं तो हम उसको घर पे छोड़ा है जाके। अच्छा, तो कहाँ पे वो मिला था? वो यहीं भट्टी के अंदर। थोड़ा आइए भट्टी, आपको बता दें, जे उसी भट्टी में उसको लेके आए थे। जे सिनेमा रोड का देसी भट्टी है और इसमें अक्सर इनको कहने को मिला था कि इस भट्टी के अंदर उसको बैठा के रखा था। तने हिमांशु इधर आइए आप, कहाँ पे बैठा था वो तने? जिस दिन ये भट्टी है, जैसे आप देख रहे हैं NM न्यूज पर, कहाँ पे उसको बैठा के रखा था हिमांशु जी, थोड़ा बताइए उसको। अंदर, उसके अंदर क्यों भैया? कल क्या उसको यहाँ पे बैठा के रखा था? इनके भैया को संध्या था, ये लोग सखन नहीं रहे, यहाँ पे मारे पीटे हैं, ठीक है। वो बहुत ज्यादा गंभीर है, ठीक है। वीडियो कल भी हम आए थे, तब भी यहाँ पे वीडियो बनाया गया था। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं उससे। मैं अच्छा, तो झगड़ा ये नहीं भी, हाँ, यहीं पे हुआ था। अंदर मारे पीटे हैं, जहाँ पे कैमरे भी नहीं है। यहाँ का कोई लफड़ा नहीं है, अंदर का है सारा लफड़ा, वहाँ का है। यहाँ के लिए यहाँ के लिए देखिए, यहाँ पर देसी भट्टी का मामला है। जे बेचारी बहन गई, खाना बना रही थी 12 बजे, और उस दौरान इस बहन का कोई उसमें नहीं था, घर पे खाना नहीं। इसका भाई दारू पीने आया था, और इस देसी ढेके में काफ़ी झगड़ा भी होते हैं, अक्सर मैंने इसमें देखा भी है। क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें, यहाँ का जो ऑनर हो वो थोड़ा तेज होना चाहिए कि दारू पीना है तो बाहर पीजिए, आप अंदर पी के झगड़ा होना, कोई दिन यहाँ पे गोलीकांड भी ना हो जाए। मैं प्रशासन से भी कहता हूँ, ऐसे देसी दारू वालों को सूचना दिया जाए कि अंदर दारू ना पिलाया जाए, जिससे कोई बड़ी घटना ना हो जाए। ऐसे ही गोला में 8 तारीख को एक 8 दारू पीने वाला इनका जो भैया था कन्हैया, वो यहीं आया था। आपस में विवाद हुआ, मारपीट इतना हुआ कि आज वो प्राइवेट में ऑक्सीजन में लेटा हुआ। मैंने उनको थी कैमरामैन सर, जय हिंद। ये यहाँ पे मैं खड़ा हूँ ऊंची भूड़ में। यहाँ जो संध्या थी, संध्या के घर में उस दिन कोई नहीं थी, खाली उसकी बहन थी कन्हैया की, वो उसमें खाना बना रही थी। मैं वहाँ भी पहुँचना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ क्या हुआ था उस दिन। संध्या अपने घर में अकेली थी और घर में खाना बना रही थी, और खाने के दौरान क्या इस दिन आपका जो भाई का झगड़ा हुआ था तो आप क्या यहीं खाना बना रही थी? क्या हुआ था, कैसे आपको सूचना मिली? हमें हिमांशु ने बताया था, आपके पड़ोसी ने? हाँ, क्या बताया कि कन्हैया बहुत मारे गए हैं भट्टी पे, भट्टी पे। हाँ हाँ, अक्सर शराब भट्टी में? हाँ हाँ, अक्सर हुआ करता है, जो भी जाते हैं पीने खाने उनसे हुआ। उस दिन तुम्हारा कन्हैया बीबी वहाँ पीने खाने गया? हाँ, कन्हैया थोड़ा हल्का पिए थे, ठीक है। हाँ हाँ, वहीं पे थे। कैसी मारपीट हुई? जैसे वहाँ पे बहुत ज्यादा मारे पीटे हैं, ठीक है। जब वहाँ से लेके आए थे हिमांशु भैया, तो उसके खून नाक से ब्लड निकल। इसमें उसकी हालत के कुछ क्लिप दिखा सकती हैं कैमरे में? है आपके? हाँ हाँ, थोड़ा दिखाइए।
देखिए ये संध्या है, ये उस दिन उसके घर में कोई नहीं थे और वो बेचारी अकेले घर में थी। भाई को कष्ट में देख के वो बिना खाना छोड़े यहाँ पे बना रही थी। वो भागी और भागने के बाद सीधे पहुँची देसी दारू खाना और वहाँ पर जिस जो उसको समझ में आ रहा था वो उसने किया और उसके बाद वो वहाँ पर बेचारी प्राइवेट ट्रीटमेंट करवाई। उसके द्वारा उसने प्राइवेट ट्रीटमेंट करवाया और वो इतनी हड़बड़ाई हुई थी। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसमें कंधिया क्या हालत क्या है, आप देख सकते हैं। कन्हैया जो है वो ऑक्सीजन में पड़ा हुआ है। मैं प्रशासन से भी कहता हूँ इस पर थोड़ा जोर बनाए क्योंकि इसकी हालत ठीक नहीं है इस लड़के की।